आज का जो वीडियो है वो है आपका लीगल टर्म्स के ऊपर, ठीक है। और ये भी हम लोग पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, उसका देखने वाले। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हो गया आपका इसमें एबंडन, ठीक है। एबंडन इसका क्या मतलब समझते हैं? एबंडन का मतलब होता है बंद कर दिया, आप इसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? बंद कर दिया, यूज़ नहीं कर रहे। टू लीव, या फिर आप बोल सकते हैं टू लीव बोल सकते हैं, या फिर टू गिव अप बोल सकते हैं। टू लीव हो गया, टू गिव अप हो गया, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हैं टू सरेंडर बोल सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, क्या? एबंडनमेंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या हो गया? एबंडनमेंट। स्पेलिंग लिख लेते हैं, ABANDON, एबंडनमेंट, ठीक है। अब इससे आप क्या समझते हैं? आप एबंडनमेंट का मतलब होता है वॉलेंट्री रिक्लेमेशन ऑफ एन इंटरेस्ट और क्लेम द एक्ट ऑफ एबंडनमेंट, मतलब इच्छा से, आप इच्छा से कोई चीज़ छोड़ रहे हैं। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? वॉलेंट्री, यहाँ लिख लेते हैं वॉलेंट्री रेलिनिस रेलिनक्विशमेंट, यानी कुछ चीज़ छोड़ रहे हैं, इच्छा से आप छोड़ रहे हैं, ठीक है। ऑफ एन इंटरेस्ट और क्लेम, ऑफ एन इंटरेस्ट या फिर आप क्लेम, ओके। उसी तरीके से इसमें हम दूसरा भी डाल सकते हैं, द एक्ट ऑफ एबंडनिंग, क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ एबंडनिंग, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पे तीसरे पॉइंट के ऊपर। तीसरा पॉइंट है हमारा, वो है एबरनार। एबरनार देखते हैं क्या होता है। एबर नार, ABARNARE, एबरनार से क्या समझते हैं आप? इसका मतलब डिटेक्ट करना या डिस्क्लोज करना सीक्रेट क्राइम को, ठीक है, या फिर ब्रिंग करना कोई जजमेंट को। आप बोल सकते हैं टू डिटेक्ट सीक्रेट और डिस्क्लोज सीक्रेट क्राइम, ठीक है। आप एक चीज़ और बोल सकते हैं, टू ब्रिंग टू जजमेंट, कोई चीज़ आप जजमेंट के लिए ला रहे हैं, टू ब्रिंग टू जजमेंट, ठीक है। अब आइए चौथे पॉइंट पर। चौथा पॉइंट हो जाएगा एबेटमेंट। एबेटमेंट, अब इसका क्या मतलब होता है एबेटमेंट का? एबेटमेंट का मतलब होता है एक्ट ऑफ इलिमिनेटिंग और नलिफाइंग। क्या बोल सकते हैं हम इसको? एक्ट ऑफ एलिमिनेटिंग और नलिफाइंग, ठीक है। उसके बाद हो जाएगा आपका पांचवा पॉइंट, वो हो जाएगा एबेरेंस। ABARANCE, ये हो जाएगा बिहेवियर या कंडक्ट, हम इसे बोलते हैं। इसका क्या मतलब हो जाता है? बिहेवियर या फिर आप इसको कंडक्ट भी हम बोल सकते हैं मतलब में, ठीक है। छठा पॉइंट में आइए, छठा पॉइंट हो जाएगा एबडक्शन। अब इससे आप क्या समझते हैं मतलब? एबडक्शन का मतलब होता है
कि जब कभी भी कोई जोर से कंपेल करता है या कोई जो भी फोर्स से कंपेल कर रहा है, डिसाइडफुल एंड गलत इच्छा है कुछ, ठीक है, जहाँ पे एक पर्सन को छुपाया जाता है, ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं हु एवर बाई फोर्स कंपेल और बाई एनी डिसाइडफुल यानी गलत इच्छा है उसका, ठीक है, डिसाइडफुल का मतलब होता है गलत इच्छा, बाई एनी डिसाइडफुल मीन्स इन, ठीक है, मीन्स मीन्स सॉरी बाई एनी डिसाइडफुल, इतना ही समझे, ठीक है। फिर आइए एबेसिव का मतलब क्या होता है, ए बी ई डबल एस आई वी ई, इसका मतलब क्या होता है एबेसिव का, आपको बताइए। एबेसिव का मतलब होता है डिनोटिंग एब्सेंस ऑफ ए केस, अब डिनोटिंग एब्सेंस एब्सेंस ऑफ केस, ठीक है, केस की एब्सेंस है। आठवां पॉइंट आई एबेट, एबेट से क्या समझते हैं, मतलब एबेट का मतलब होता है कि कुछ मदद पहुंचाना जुर्म करने में, कुछ हेल्प करना, मदद पहुंचाना जुर्म करने के लिए, तो बोल सकते हैं टू एड, एड का मतलब होता है हेल्प, ठीक है, क्या आप कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, टू कमिट ऑफेंस, ठीक है, ऑफेंस सी होगा, ठीक है, ऑफेंस काट के लिखता ऑफेंस, ओके। अब आइए नाइन्थ पॉइंट पे, अब क्या है एबेटर, एबेटर ए बी ई डबल टी ओ आर, इससे क्या समझते हैं आप, एबेटर का मतलब होता है जो कि इंक्रीज करता है, वन हु इंक्रीज या मदद पहुंचाता है ऑफेंडर को, या फिर कमीशन ऑफ एन ऑफेंस है, तब बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं कि वन हु इंक्रीजेस और एड्स द ऑफेंस अच्छा वन इंक्रीजेस और एड्स द ऑफेंडर, नॉट ऑफेंस, ऑफेंडर है ये, ठीक है, और कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, कमीशन ऑफ एन, कमीशन एन ऑफेंस, ठीक है, और बोल सकते हैं कमीशन ऑफ फेंस, दसवां पॉइंट। एबियंस का क्या मतलब होता है, ए बी ई वाई ए एन सी ई, इसको बहुत कॉमन से शब्द आप सुनते रहते होंगे, एबियंस का मतलब एक कंडीशन होता है किसी भी इनहेरिटेंस का जहाँ पे कोई प्रेजेंट नहीं होता है ऑनर, या फिर स्टेट ऑफ सस्पेंशन, मतलब एक कंडीशन है जहाँ पे कोई इनहेरिटेंस नहीं, इनहेरिटेंस मतलब कोई बाल बच्चा नहीं है, ठीक है, जो कि ये बताएगा कि प्रेजेंट ऑनर कौन है, ठीक है, इसलिए, या फिर स्टेट ऑफ सस्पेंशन होता है, तो बोल सकते हैं द कंडीशन द कंडीशन ऑफ एन एन इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस ठीक है,
विच हैज नो प्रेजेंट ओनर्स, ना कोई प्रेजेंट ओनर है ना, और ना ही कुछ स्टेट ऑफ सस्पेंशन है, और स्टेट ऑफ सस्पेंशन ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को अच्छा लगा, लाइक जरूर करिए, चैनल पहली बार चैनल सब्सक्राइब करिएगा, थैंक यू वेरी मच।